जो भी टेबल आप डिजाइन करेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग भी टेबल की डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं। कर लेंगे आप लोग इतना, इतने में तो ये डाउट है क्या? फिर नेक्स्ट रहता है यहाँ से सेटिंग। इससे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं आप, यहाँ से इसमें सेट कलर फिल कर देंगे। देखिए अभी आप सेटिंग कर रहे हैं, सर किस में फिल हो रहा है कलर? इसमें। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, सर सर अपना कौन से सेल पे है? इस पर। अब आप सेटिंग के ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे, जो भी कलर इसमें सेट करेंगे वो किस में फिल हो रहा है? इसमें। क्योंकि जहाँ अपना कर्सर रहे उसमें फिल कर रहा है, लेकिन आप चाहते हैं आपको पूरी टेबल में यहाँ पे फिल करना है, तो प्लस से साइन आ रहा, आप प्लस पे क्लिक करेंगे। देखिए पूरी टेबल सेलेक्ट होगी। अब आप सेटिंग के ड्रॉप डाउन एरो पे जाके देखिए, जो भी कलर फिल कर रहा है पूरे में फिल हो रहा है। अपन ने इसे यहाँ से कर दिया नॉर्मल वाइट। अब आप चाहते हैं सिर्फ आपको फर्स्ट वाले कॉलम में फिल करना है, आप यहाँ से माउस से फर्स्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप जो भी सेट यहाँ से फिल करेंगे किस में हो रहा है? फर्स्ट कॉलम में। रो में करना है तो आप यहाँ से इसकी रो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी टाइप से आपको इसमें यहाँ पे फिल करना है। देखिए एप्लाई हो जाएगा। पूरे में करना है तो आप पूरे टेबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सिर्फ कॉलम में करना है, हेडर में करना है या दो सेल में करना है, आप उतना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट रहता है यहाँ से बॉर्डर स्टाइल। अभी अपन यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, उसमें अपन बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर रहे थे, सेम आपको यही ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल के ड्रॉप डाउन एरो पे जाके आप बॉर्डर स्टाइल यहाँ से चेंज कर देंगे। देखिए जैसे ही आपने यहाँ से बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट किया, आपके सामने इस टाइप से यहाँ पे बॉर्डर पेंटर आ जाएगा। अब आप इस पर यहाँ से क्लिक करते जाइए, देखिए स्टाइल चेंज होती जा रही है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे कॉलम में करना है, इस पर क्लिक करना, इसे आप ड्रैग कर देना, देखिए फिल होगी। इस पूरे रो की बॉर्डर में करना है तो इसे सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे, इस टाइप से आप क्लिक करना और ड्रैग कर देना तो पूरे में भी हो जाए। देखिए यहाँ से चेंज हो रहा है, इस टाइप से अभी अपन जैसे कर पा रहे हैं आपको यहाँ पे पूरे में फिर करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। अगर आपको कॉलम में करना है, अपने पास कितने कॉलम है पूरे? पाँच। आपको पाँचों कॉलम में अलग अलग यहाँ पे फिर करना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे लाइन स्टाइल। इससे ड्रॉप डाउन एरो पे जाके आप बॉर्डर की लाइन स्टाइल जो भी यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए चेंज हो रही है। आपने जो भी लाइन स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट किए वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रहता है यहाँ से इसकी विथ। बॉर्डर की विथ आप यहाँ से क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए अब यहाँ से विथ चेंज हो जाएगी। अगर आपने ये वाली सिलेक्ट की है तो देखिए ये थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, इस टाइप से यहाँ से विथ चेंज हो जाएगी। फिर अभी पेन कलर इसमें क्या आ रहा है? ब्लू कलर में आ रहा है। आप पेन कलर चेंज करना चाहते हैं, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से पेन कलर चेंज हो जाए, देखिए अब उस कलर में आ रही है जो कलर आपने सिलेक्ट किया है। अब अभी तक आप देख रहे हैं जो भी स्टाइल आप बॉर्डर में यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं क्या हो रहा है? अपने पास बॉर्डर पेंटर आ रहा है, फिर आपको उसमें अप्लाई करना पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले आपने यहाँ से पूरी स्टाइल इसमें चेंज कर दी, अपन ने यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल ले ली, आपको ये वाली स्टाइल जैसे सिलेक्ट करना है, आपने स्टाइल ले ली, फिर आपने यहाँ से इसमें लाइन स्टाइल चेंज कर दी, फिर आपने यहाँ से इसकी विथ सेट कर दिया। अभी अपन सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ इसमें अपन चेंजेस कर रहे हैं। ठीक, आपने यहाँ से सिलेक्ट किया पहले बॉर्डर की स्टाइल, फिर लाइन स्टाइल, फिर बॉर्डर की विथ, और यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लिया पेन कलर, इतना सिलेक्ट किया आपने। अब आप देखिए अभी आप तो बॉर्डर पेंटर यहाँ पे सिलेक्ट है, आप इस पे क्लिक कर देना, देखिए बॉर्डर पेंटर यहाँ से अनसेलेक्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस टेबल को आप सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे बॉर्डर्स, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें। बॉर्डर से आपको पहले अपन ने ऐसे कर दिया यहाँ से नो बॉर्डर। अब आपने देखा आपने बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया, बॉर्डर बॉटम में आ रही, सेम वही स्टाइल आ रही है जो आपने यहाँ से सिलेक्ट की थी, उसी विथ में उसी कलर में, देखिए सेम आ रहा। आप क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ से पूरी उसमें एडिंग कर लीजिए, फिर आप यहाँ से इसे अप्लाई कर देंगे। ऐसे आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, टॉप में लेना है टॉप में, आपको लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट में, और राइट बॉर्डर चाहिए तो राइट बॉर्डर पे, बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप क्या कर देंगे ऐसे यहाँ से नो बॉर्डर। तो ये क्या आ रही है अपनी, ये ग्रिड लाइन आ रही है, ये क्या है आपकी ग्रिड लाइन। फिर आपने देखा आपने यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए ऑल बॉर्डर में सिर्फ कहाँ सिलेक्ट हो रहा है, इस सेल में, क्योंकि अपन ने वहाँ क्लिक कर दिया, एक ही सेल में आ रहा, जबकि अपन यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अब ऑल बॉर्डर चाहिए, देखिए पूरे में आ रहा है इस टाइप से। फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया आउटसाइड बॉर्डर, तो ये सिर्फ आउटसाइड में, इनसाइड तो इनसाइड, पहले अपन ऐसे यहाँ से नो बॉर्डर कर देते हैं।
अब आप सिलेक्ट कर रहे हैं आउटसाइड, देखिए आउटसाइड में आ रहे हैं, इनसाइड करेंगे तो ये इनसाइड में आ रहे हैं। अभी देखिए आपने इतने ऑप्शन यहाँ से अप्लाई किए, अब आप चाहते हैं आउटसाइड में पेन कलर अलग होना चाहिए और इनसाइड में अलग होना चाहिए। अपन अप्लाई करते हैं तभी ऐसा, आउटसाइड में कलर अलग होना चाहिए इनसाइड में अलग होना चाहिए। तो जैसे आउटसाइड में अपन ने ये अप्लाई कर लिया, अब इनसाइड में आपको कलर अलग चाहिए, आप क्या करेंगे इसका पेन कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। देखिए चेंज हो गया। अगर आपको स्टाइल भी यहाँ से चेंज करना है तो आप स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर लेंगे। अब अपन टेबल सेलेक्ट करेंगे और इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इनसाइड में बॉर्डर आ रहा है यहाँ से, इसने सेलेक्ट नहीं किया, पेन कलर चेंज कर देते हैं। देखिए आ रहे हैं यहाँ पे इनसाइड में बॉर्डर अलग कलर में आ रही, आउटसाइड में यहाँ पे अलग कलर में आ रही। आप जो भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं आप अप्लाई कर लेंगे। फिर आप बॉर्डर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है इनसाइड हॉरिजॉन्टल इनसाइड वर्टिकल, आप किस में यहाँ से लेना चाहते हैं। देखिए अगर आपने यहाँ से इनसाइड हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो ये हॉरिजॉन्टल में आती है, वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो वर्टिकल में। पहले अपन ने यहाँ से पूरी टेबल सेलेक्ट किया, आपने इसे यहाँ से नो बॉर्डर कर दिया। अब आप देखिए आप इनसाइड हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, इनसाइड वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो वर्टिकल। इन दोनों में चेंजेस क्या है देखिए, अभी अपन जब इनसाइड पे क्लिक कर इनसाइड में पूरे में आ जाता है, अपने कॉलम में भी आता है रो में भी आता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है आड़े में होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में आ रहा। अगर आप यहाँ से वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वर्टिकल में आएगा लंबे में। फिर नेक्स्ट रहता है इसमें यहाँ से स्ट्रेप, अगर आपको यहाँ पे डाउन बॉर्डर लेना है तो स्ट्रेप से आएगी, इन बॉर्डर लेना है तो स्ट्रेप से आएगी। आप स्ट्रेप जैसे अपन ने ऐसे कर दिया नो बॉर्डर, अब आप यहाँ से स्ट्राइप की बॉर्डर यहाँ पे लेना चाहते हैं, देखिए आ रहे हैं, और स्ट्राइप से लेना चाहते हैं इनमें आ जाए, डाउन में लेना चाहते हैं इनमें, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर देंगे, देखिए आ रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्राइप से आप यहाँ पे इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इतने ऑप्शन आप अप्लाई कर लेंगे। अब आप देखिए अपन ने यहाँ पे टेबल्स में थोड़ी सी स्टाइल ले ली, अब अपन चलते हैं होम टैब। होम टैब में आपने टेबल वाला ये बॉर्डर वाला ऑप्शन पढ़ा था, अपन जब यहाँ से बॉर्डर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते थे आपने ये ऑप्शन पढ़े थे यहाँ से, सेम ऑप्शन आपको यहाँ से डिजाइन टैब में बॉर्डर में देखने को मिल रहा है, ये भी सेम ऑप्शन है आपका। अपन इसमें यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं, अब आप देखिए अपन यहाँ से होम टैब पे चलते हैं, सेम ऑप्शन देखिए यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया ऑल बॉर्डर। अब अगर आप यहाँ से इस पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन पहले आपका हाईलाइट नहीं हो रहा था क्योंकि पहले अपन ने यहाँ पे टेबल नहीं बनाई थी, अब आ रहा है यहाँ पे डायगोनल डाउन साइड या डायगोनल इन साइड, देखिए देखने को मिल रहा है अब आपको यहाँ पे। ये दो तीन ऑप्शन अपन ने पहले नहीं पढ़े थे, यहाँ तक पढ़ा था अपन ने पहले इन साइड बॉर्डर तक, अब देखिए ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप इन साइड हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हैं या वर्टिकल लेना चाहते हैं, फिर डाउन लेना चाहते हैं अप लेना चाहते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर, ये सेम ऑप्शन आपके वही है। ग्रिड लाइन पे से क्लिक हटा देंगे, ग्रिड लाइन यहाँ पे सो नहीं होगी, ग्रिड लाइन पे क्लिक कर दें, जैसे आपने नो बॉर्डर कर दिया, देखिए अब कोई भी लाइन आपको यहाँ पे सो नहीं हो रही जबकि टेबल अपने यहाँ पे है। अब आप क्या करेंगे ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे तो यही ग्रिड लाइन यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक हटा देंगे तो ग्रिड लाइन वहाँ पे सो नहीं होगी, और ये रहता है ड्रॉ टेबल। अगर आप अपने अकॉर्डिंग टेबल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, ड्रॉ टेबल क्लिक करेंगे पेंसिल आ जाएगी, यहाँ से टेबल ड्रॉ हो जाएगी, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे। अरे सॉरी, ये इस टाइप से यहाँ पे ये टेबल ड्रॉ हो जाएगी जिस भी टाइप से आप इसे यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, ये इस टाइप से आप यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, कर लेंगे आप लोग इतना। और ये रहता है बॉर्डर पेंटर, जब आप यहाँ से कोई भी स्टाइल वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे बॉर्डर पेंटर आता है, जैसे कि आपने यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल सेलेक्ट की तो आप क्या करेंगे इस पे से क्लिक हटा देना, बॉर्डर पेंटर आपका हट जाए। अब इतने ऑप्शन में कोई डाउट हो आप लोगों को तो पूछ लीजिए। नहीं, जैसे पहले अपन ऐसे यहाँ से सबको हटा देते, आपने यहाँ पे टेबल बनाई